वोट देकर पैदा करते हैं, ये ऐसे नेक लोग हैं। आज इस्लाम 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 शोर मचा हुआ है, ये भी मैं कहता हूँ जमीयतुल्लमा इस्लाम की फतह है। अब इस्लाम इतना आगे आगे आए कि ये भी इस्लाम के बगैर चल नहीं सकते, ठीक है कि नहीं? कहना पड़ता है इस्लाम। 23-24 मार्च को ढाके से कुछ लीडर सवार हुए हवाई जहाज पर, लाहौर आ रहे, रास्ते में बोतल पर बोतल चढ़ा रहे। कौन सी बोतल? 7-Up की। हाँ, बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है। दूसरी बोतल पर बोतल चढ़ रही है। लाहौर हवाई अड्डे पर आए, इस्तकबाल हुआ, गले में फूलों के हार डाले गए, फिर जुलूस निकला, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। इनका इस्लाम शराब की बोतल में, हमारा इस्लाम कुरान में, मदीना है कि नहीं? हम इनका इस्लाम नहीं चलने देंगे बोतल वाला, हम कुरान वाला इस्लाम जारी करेंगे। इसमें मेरे दोस्तों, इन्होंने फिर यहां क्या किया? इस्लाम के लिए तो कुछ नहीं किया। अब पूछो मैं, दुनिया के लिए भी कुछ आपको फायदा पहुंचाया है? गरीबों के लिए कोई कानून बनाया? आम लोगों के फायदे के लिए कुछ बनाया कानून? एक बात कहूं, थोड़ी चंद मिनट और तकरीर करूंगा। आप लोग, मेरी उम्र के कुछ हजरात हैं आप में के नहीं? देखो, रुपए की हमने चीनी 4 शेर खरीदी थी किसी वक्त, खरीदा करते थे, बेचा करते थे। 1 रुपए की 4 शेर, 5 शेर, और शुगर मिल एक भी न थी मुल्क में। आज हजारों शुगर मिले हैं, चीनी के कारखाने हैं, और चीनी 2 रुपया शेर हो गई, ठीक है कि नहीं? और दरमियान में चीनी चोर आ गया था तो 10 रुपया शेर हो गई, 5 रुपया शेर। चीनी चोर जानते हो ना, नाम न लो। मैं जनाब यहया खान साहब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि शुगर मिले सब अमरीका यूरोप को वापस भेज दो, मिले वापस भेज दो हमको चीनी, ठीक है भाई? हमको चीनी चाहिए कि मशीन चाहिए? चीनी दो हमको, मशीन न दो, मशीन वापस कर दो। आपको याद होगा, हम 4 आने गज लट्ठा खरीदा करते थे, चांदी का लट्ठा, 16,000 नंबर का बेहतरीन लट्ठा हम खरीदा करते थे 4 आने गज, और कहते थे ये बड़ा महंगा है। वो लट्ठा आज 6 रुपया गज नहीं मिलता, ठीक है या नहीं? और आपको नुक्ता बताऊं, खास बात, जो कपड़ा हमको ये 3 रुपया गज देते हैं, वो कपड़ा ये बाहर मुल्कों को 12 आने गज दे, 12 आने गज। ये राज हमको जद्दा में मालूम हुआ, मक्का मुअज्जम में मालूम। बोलो, इन मिलों का ये इंसाफ है कि बेईमानी? इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? ये गरीब कैसे जिंदा रहेंगे? ये हलाल कमाई कैसे पूरी करेंगे बाल बच्चों के लिए? ये 80 रुपए का तो आटा खरीदेंगे 4 मन 10 आदमी के लिए, ये चाय चीनी कहां से लाएंगे? कपड़े कहां से लाएंगे? फीसें तालीम की कहां से लाएंगे? ये दीगर जरूरियात किस तरह पूरी करेंगे? फिर ये